भी आप लोग को बता दिया जाएगा वॉशरूम एंड कंट्रोल रूम, वॉशरूम एंड कंट्रोल रूम का बारे में जानकारी दिया जाएगा। पहले पहले आप लोग को याद करना पड़ेगा वॉशरूम किसको कहा जाता है, कंट्रोल रूम किसको कहा जाता है, ये पहले जानकारी लो। वॉशरूम होता है हर एक फायर स्टेशन में, हर एक फायर स्टेशन में जो रूम में हम लोग को ऑफिशियली काम किया जाएगा, ऑफिसर भेजेगा व ऑफिस का मैसेज आएगा, मैसेज शिफ्ट करेगा, टेलीफोन रहेगा, वायरलेस रहेगा, जो मैसेज बाहर का वो फायर कॉल आ जाएगा, रिसीव किया जाएगा, ये रूम को वॉशरूम कहा जाता है। और एक फायर स्टेशन में जो ऑफिस रूम है हम लोग को रिसीव करने का ये रूम को वॉशरूम कहा जाता है। और वॉशरूम का जो इंसर्ज रहता है, वॉशरूम का इंसर्ज को आईसी कहा जाता है, इंसर्जर कहा जाता है। यह सीनियर फायरमैन हो, एलएफएम हो, सब ऑफिसर हो, एसओ जो भी है, यह नॉन गजेटेड होगा, नॉन गजेटेड होगा, इसको आईसी कहा जाता है, इंसर्ज कहा जाता है। यह वॉशरूम में सामान कौन रहता है, टेलीफोन कौन होता है, टेलीफोन एक बार दो रहता है, वॉलेट एक कौन रहता है, टेबल चेयर घोड़ी और एरिया का मैप ये वॉशरूम में रखा जाता है। कंट्रोल रूम हो गया, या कंट्रोल रूम किसको कहा जाता है, और एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक एक कंट्रोल रूम रहता है, वॉशरूम रहता है, मतलब फास्ट रहता है। तो ये कंट्रोल रूम का जो इंचार्ज होता है, कंट्रोल रूम का इंचार्ज को मोबिलाइजिंग ऑफिसर कहा जाता है। और ये कंट्रोल रूम का जो मोबिलाइजिंग ऑफिसर कहा जाता है, ये गजेटेड होगा, गजेटेड होना चाहिए और इसका मोबिलाइजिंग ऑफिसर कहा जाता है। और ये कंट्रोल रूम में सामान जगह रहता है, गाड़ी जगह रहता है, आदमी जगह रहता है, और जो हम लोग का कनेक्टिंग है तो ये सुविधा ज्यादा होता है, जैसे टेलीफोन सार पास को रहता है, वायरलेस से ज्यादा रहता है, एक कॉल घड़ी रहेगा, एक मोबाइल से बोल रहेगा, एक एरिया का मैप रहेगा, जो मैप में एक एरिया का कहाँ में क्या क्या है, पानी का सुविधा कहाँ में है, कॉलेज कहाँ में है, हॉस्पिटल कहाँ में है, उसको ये मैप में रखा जाता है, उसको लोकल मैप कहा जाता है, जिसको एक मैप में हम देखने से मालूम हो जाएगा कि एक एरिया में कहाँ में क्या होता है। और यह में सबका सुविधा है, क्योंकि जब वॉशरूम का जो फायर कॉल आ जाएगा, वॉशरूम कंट्रोल कर नहीं सकता है, इसका बारे में साथ ही साथ कंट्रोल रूम में जानकारी दिया जाएगा, और ये कंट्रोल रूम में ये वॉशरूम को हेल्प करा जाएगा, क्योंकि वो कंट्रोल रूम में गाड़ी अवेलेबल होता है, आदमी अवेलेबल होता है, और फर्नीचर भी अवेलेबल होता है। यह कंट्रोल रूम और वॉशरूम का डिफरेंस, यह इसका बारे में जानकारी देने के लिए आप लोग को देखो, आप लोगों को जो आप लोगों को किसी ऑफिस में हमें लिखा देता है, बजा कर रखा देता है, ये वॉशरूम और कंट्रोल का डिफरेंस मेनली डिफरेंस है। वॉशरूम का इंसर्स को नॉन गजेटेड और कंट्रोल रूम का इंसर्स को गजेटेड होना चाहिए, यह डिफरेंस को याद रखिए। थैंक यू।